भाइयों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूँ कि किस तरह गाड़ी की ओवरहीटिंग को पहचाने और उससे रिलेटेड क्या क्या वर्क होते हैं जिनको हम कर करके ओवरहीटिंग को सही कर सकते हैं। ये है हमारा भाइयों रेडिएटर और रेडिएटर कैप। रेडिएटर कैप के अंदर से भाइयों ये वाल लगे होते हैं, तो अगर ये बैंड या आपको रस्टी लगते हैं तो गाड़ी आपकी ओवरहीट करती है, और इसमें पानी पड़ा होता है अगर तो गाड़ी ओवरहीट करेगी। हमेशा कूलेंट का प्रयोग करें। कूलेंट की बोतल पर जिस तरह लिखा हो उस तरह से उतना ही पानी मिलाएं, और अपनी कूलेंट बोतल में भी रिजर्वर में भी मैक्सिमम लेवल तक जो है आपको कूलेंट हमेशा फिल करना है। और भाइयों ये रहा हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, यहाँ लगता है। थर्मोस्टेट वाल्व जब ख़राब हो जाता है भाइयों तब भी हमारी गाड़ी ओवरहीट प्रॉब्लम करती है, उसको भी आपको बदल कर देख लेना है। और भाइयों हमारे दो फैन लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप फैन। अगर फैन मोटर जाम होगी या फैन मोटर का फ्यूज शॉर्ट होगा तब भी गाड़ी ओवरहीट करेगी, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेंसर, जो रेडिएटर में सेंसर लगा होता है वो सेंसर, और जो वो सेंसर जो है रेडिएटर में जो लगा होता है उसका तार अगर कटा होगा या उसका काम नहीं कर रहा होगा तब भी भाइयों हमारी गाड़ी ओवरहीट करेगी, ठीक है भाइयों। उस सेंसर को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये हमारा फैन है, फैन की मोटर जाम होगी तो गाड़ी ओवरहीट करेगी, ठीक है भाइयों। कूलेंट हमेशा अपनी गाड़ी में टॉप अप करें, और इस बोतल कैप को गर्म गाड़ी में कभी मत खोलें, इसके ऊपर डेंजर वार्निंग लिखा हुआ है, केवल बोतल में ही कूलेंट डालें। और ये गाड़ी ठंडी हो तो इसको चेक कर सकते हैं भाइयों गाड़ी रुकने के 10-15 मिनट बाद, ठीक है भाइयों। जो रेडिएटर में सेंसर लगा होता है उसको भी ध्यान रखना है आपको, अगर वो ख़राब होगा तब भी गाड़ी हमारी ओवरहीट करेगी। अगर रास्ते में आपकी गाड़ी कहीं ओवरहीट कर जाती है तो भाइयों उसको गाड़ी को रोक करके आपको आधे घंटे गाड़ी को ठंडी होने की राह देखनी है, उसके बाद आपको रेडिएटर में ये फिलर कैप खोल करके आपको उसमें पानी डाल देना है, नॉर्मल पानी। और गाड़ियों भाइयों ठंडी हो जाने पर गाड़ी को धीरे धीरे से आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाना है, ठीक है भाइयों। हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।